सो गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो सबसे लास्ट वाला वीडियो होने वाला है फोर सिस्टम के लिए। जितने भी मैंने कंसेप्ट थे वो सारे के सारे मैंने बता दिया और एक एग्जांपल भी करा दिया है इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट का एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल। जैसे कि आप लोगों को पिछला वीडियो में जो मैंने बताया था, वो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो मैं यहाँ पे बता दिखा देता हूँ। वो आपका वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। और आपसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट का और अपना सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लूँगा। तो आज का जो आपका पास जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कुछ इस तरीका से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ देना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि फाइंड ए फोर्सेस ऑफ ए कपल। एक फोर्स निकालना है जो कि कपल के फॉर्म में होगा एट ए पॉइंट ए, ठीक है। किसी ना किसी एक पॉइंट पर फोर्स हमको निकालना है। ऑफ द बीम विच इज इक्विवेलेंट टू द सिस्टम ऑफ सो बिलो, यानी कि जो बिलो में ये वाला फिगर दे रखा है, इसी एक तरीका का आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। और इसमें जो है हमको एक कपल ऑफ द फोर्सेस निकालना है जो कि इक्विवेलेंट होगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस के, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ दे रखा है कि यू मे इग्नोर थिकनेस ऑफ द बीम, यानी कि यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ द बीम जो है, यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं फिगर को यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि फिगर में जो चीज़ यहाँ पे दे रखा है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है, वो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये 400 न्यूटन का। और यहाँ पे जो एक मूवमेंट लग रहा है, ये 1900 न्यूटन मीटर का फोर्स यहाँ पे लग रहा है मूवमेंट के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, और 100 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। ये जो डिस्टेंस दे रखा है 2.5 दे रखा है, ये भी 2.5 दे रखा है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बोले या इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम बोले, दोनों लगभग लगभग सेम ही होता है, बस माइनर डिफरेंट होता है। तो आप उसको समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम का आपका प्रॉपर डिफिनेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी फोर्सेस दे रखे थे उसको मैंने एज ए यहाँ पे इक्विवेलेंट फोर्स बना दिया है। और यहाँ पे मुझे निकालने के लिए क्या क्या गया, कपल ऑफ द फोर्सेस निकालने के गया क्या गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे देखिए, फोर्सेस दो तरीके का लगते हैं। पहला आपका एक वैसे फोर्स लगते हैं जो कि एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा जो वैसे फोर्स लगते हैं जो कि वाई डायरेक्शन में होते हैं। यदि इंक्लाइन में कोई फोर्स लगता है तो मैं उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में, और उसके साथ वाई डायरेक्शन में मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एक्स के डायरेक्शन में। और कोई ऐसा फोर्स हमको नहीं दिख रहा है जो कि आपका फोर्स लग रहा हो किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। तो देखिए, यहाँ पे जो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा आपका इक्वल टू का 100 न्यूटन होगा। और साथ ही साथ मैं ये मान रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स जा रहा हूँ वो पॉजिटिव में मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव का सिंबल दिखाया, ठीक है। और उसके बाद से मैंने आपको समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे हम लोग, तो वो भी आपका इक्वल टू का क्या निकल के आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, समेशन ऑफ वाई कहने का मतलब कि जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखिए वाई डायरेक्शन में यहाँ पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मैं मान कर चलता हूँ कि ऊपर वाला क्या लग रहा है आपका, प्लस में लग रहा है, यानी कि उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लस का आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अपवर्ड ही फोर्सेस लग रहे हैं, ये 200, तो 200 लिखा। और डाउनवर्ड लग रहे हैं आपके पास, उसको मैं निगेटिव लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, तो मुझे सिम्बल जो है निगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो और इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 100 न्यूटन मिल जाएगा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 100 जो माइनस में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो फोर्स का रिजल्टेट निकल करके आएगा वो निगेटिव में आएगा, यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको निकालना है मूवमेंट ऑफ द फोर्स। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फोर्सेस निकल करके आ चुके हैं, ठीक है। पहला एक एफ एक्स फोर्स निकल करके आया है, ये वाला फोर्सेस, ठीक है। और दूसरा एफ वाई फोर्सेस निकल करके आया जो कि माइनस का 100 न्यूटन है। तो मैं इसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स क्यों निकाला, चूंकि देखिए इन सारे फोर्सेस का आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद से जो भी फोर्सेस आपका एफ एक्स के निकल के और एफ वाई के निकल के आएंगे, कोई एक ऐसा आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है जो कि क्या होंगे, जो कि एफ फोर्सेस होंगे, जो कि इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है, रूट अंडर का एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यदि इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स में बात करनी है, तो मैंने जो यूनिट नंबर 2 आपको पढ़ाया था मैकेनिक्स में, वो वाला वीडियो आप जाकर के पूरा सीरियल वाइज देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना करके चैनल पर रख दिया है, तो वहाँ से आप जाकर के इजिली
भी दे सकते हैं, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप जा करके बिल्कुल दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्टेड निकालेंगे तो जो एफ एक्स निकल के आया था वो 100 निकल के आया, एफ वाई जो निकल करके आया माइनस का 100 आया, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो बेसिकली आपका ये निकल करके आ जाएगा 100√2 आ जाएगा। और इसको रूट टू का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए था कि क्या होता है, 1 पॉइंट का यहाँ पर 41 होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू रख देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 141 पॉइंट का 4 न्यूटन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट जैसे ही निकलेगा तो देखिए इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे तो ही हम लोग एक्ट करेंगे ना, तो उस एंगल को भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं पोजिशन, बोलते हैं कि किस पोजिशन पर वो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। तो इसका सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टेन इनवर्स का एफ वाई अपन का एफ एक्स होता है। तो इस सिंपल से फॉर्मूला पर हम यूज कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद से आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये 100 100 कट जाने वाला रहेगा, तो देखिए ये 10 इनवर्स का माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे 1 हो जाएगा वो 1 जो हो जाएगा तो किसका वैल्यू होता है जो 10 में आपका 1 के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 45 डिग्री का। तो यहाँ से आपका जो निकल करके आ जाएगा वो माइनस का 40 निकल करके आ जाएगा, माइनस का 40 सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका माइनस था ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा क्लियर आपको, चूँकि ये डाउट ना रह जाए आपके लिए। देखिए यहाँ पे जो आपका एफ वाई फोर्सेस निकल के आया था माइनस का 100 निकल के आया था, और जो एफ एक्स फोर्स निकल के आया था वो प्लस का 100 निकल के आया था। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया, चूँकि एंगल में कभी भी माइनस नहीं आते हैं तो मैं माइनस को यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 45 डिग्री निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पोजीशन को हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा, जो भी फोर्सेस दे रखे थे उन सारे फोर्सेस को यदि इक्विलिब्रियम में हम लोग देखें तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमको इतना लगाना पड़ेगा, किस पोजीशन पर लगाना पड़ेगा तो वो 45 डिग्री के पोजीशन पर आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हम लोगों को मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था हम लोग को आंसर निकालने के लिए, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग को निकाला था, तो क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल सा बात निकाला था, वो क्या बात निकालना था आपको वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्या निकालना था, फोर्सेस निकालने थे आपको जो कि कपल के फॉर्म में होना चाहिए था, कपल यानी कि एक तरीका सा मूवमेंट के फॉर्म में होना चाहिए था। तो मूवमेंट मैं यहाँ से सिंपल निकाल सकता हूँ चूँकि मुझे फोर्सेस पता है यहाँ से, तो माइनस का 200 × 2.5 कर दूंगा और प्लस का 19 यहाँ पर देखिए इस मैं बेसिकली इस वाले ग्राफ से इसको बेसिकली रिजर्व कर रहा हूँ। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, मूवमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस वाले पॉइंट के यानी कि ये वाले पॉइंट को ही हो जाएगा जिसको मैं ओ मान लेता हूँ, तो इसके अबाउट मैं क्या करूँगा, मूवमेंट निकालना चाहूँगा। तो देखिए ये फोर्स के चलते मूवमेंट आएंगे, और ये तो मूवमेंट ऑलरेडी दे रखा और इस वाले फोर्स के चलते, और ये 100 और ये वाला 100 के चलते मूवमेंट नहीं आएंगे। चूँकि क्यों नहीं आएंगे, चूँकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा मैंने कंसेप्ट में पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो आई होप कि वाला वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है। वो वाला वीडियो मैंने कौन सा वीडियो, वो जो यूनिट वाला 2 में मैंने आप सबको जो कंसेप्ट बताया थे मूवमेंट निकालने के लिए उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली जो मूवमेंट निकलेगा तो आपका जो मूवमेंट निकल करके आ जाएगा ये निकल करके आ जाएगा इसको 340 न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगा, और ये जो आएगा वो आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका जो अब जो हम लोग पास जो निकाला था वो निकाला था इक्विवेलेंट फोर्स मूवमेंट निकाला था, तो इक्विवेलेंट फोर्स मूवमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो इक्विवेलेंट फोर्स मूवमेंट आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल करके आ जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे 3400 न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगा जो कि क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा आज का मेरा वीडियो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ जाते जाते एक सूचना आपके लिए कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने नाम भी वही रखा है जो कि चैनल का नाम है मेरा, ये आपके पास #पंकु के नाम से आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा, तो मेरे चैनल पे आप जा करके यानी कि टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको PDF चाहिए तो ये वाला PDF आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। और रही बात टेलीग्राम का लिंक, तो मैं टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर वहाँ पे आप विजिट कर लेना। तो चलिएगा जब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।